जयपुर शहर भाजपा को नया अध्यक्ष मिले करीब एक महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन अब तक शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने अपनी नई टीम का ऐलान नहीं किया। ये स्थिति तो तब है जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और संगठन की ओर से चुनावी अभियान जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में पिछले शहर अध्यक्ष संजय जैन की टीम के सदस्य भी पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं और संगठन के कामकाज में वह कम ही नजर आते हैं। हालांकि मोहनलाल गुप्ता की टीम में स्थान पाने की चाहत में कुछ नेता ज्यादा सक्रिय हैं, जिन्हें अब तक संगठन के पदों से दूर ही रखा गया था। हालांकि इन्हें भी घोषणा का ही इंतजार है, लेकिन मोहनलाल गुप्ता अपनी नई टीम की घोषणा मौजूदा विधायक और विधायक प्रत्याशियों द्वारा दिए गए नाम को शामिल करके ही करेंगे। गुप्ता ने इसके लिए जयपुर शहर के भाजपा विधायक और विधायक प्रत्याशी रहे नेताओं से दो दो नाम मांगे हैं, ताकि उसके आधार पर जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी का गठन किया जाए। सभी लोगों से सवाल करके और उसके ऊपर सारी पार्टी में विचार विमर्श करके, प्रमुख लोगों से विचार विमर्श करके ही हम लोग कार्यकारिणी का गठन करेंगे। नाम दे दिए या आ रहे नाम? आ रहे नाम नहीं, ये नामों की परंपरा शुरू से रही है, जो कार्यकर्ताओं के आज तक हमने देखते आए उस हिसाब से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष जी या प्रदेश अध्यक्ष जी जिसको भी काम करने का मौका देंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। जयपुर शहर में 8 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं और इन सभी विधानसभा क्षेत्र से कम दो दो पदाधिकारी शहर भाजपा की टीम में लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि विधायक और विधायक प्रत्याशियों ने अपनी पसंद के नाम शहर अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। शहर भाजपा की टीम में दो महामंत्री के पद सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए विधायक कालीचरण सराफ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के सुझाए गए नामों पर मोहर लग सकती है। वहीं पुरानी टीम में शामिल कुछ पदाधिकारी चाहते हैं कि नई टीम में उन्हें प्रमोशन के साथ नया स्थान मिले और उसको लेकर भी वहाँ लॉबिंग में जुटे हैं। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में काफी समय निकल चुका है, जबकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक मोहनलाल गुप्ता अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे। लेकिन गुप्ता इस बारे में भी गोलमोल जवाब ही देते हैं। इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है नई टीम के गठन के बारे में और शीघ्र ही नई टीम का गठन करेंगे। बहरहाल आने वाले एक सप्ताह के भीतर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। अब यदि गुप्ता अपनी नई टीम बनाई तो पुरानी टीम के सदस्य पूरी तरह गुप्ता से दूर हो जाएंगे और वो लोग भी पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे जो अब तक पद की लालसा में गुप्ता के इर्द गिर्द घुमा करते थे। लेकिन नई टीम की घोषणा नहीं की जाती है तो उसका भी नुकसान पार्टी को ही होगा, क्योंकि पुरानी टीम में शामिल अधिकतर पदाधिकारी पहले से ही निष्क्रिय हो गए हैं और जो सक्रिय है उन्हें भी वापस प्रमोशन के साथ पद मिल जाए इसके लिए अब तक उन्हें कोई गारंटी नहीं मिली है, जिसके चलते वो भी आधे अधूरे मन से ही संगठन के कामकाज में लगे हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर शहर भाजपा के ये हालात पार्टी की ओर से बनाए जाने वाले प्रत्याशी की जीत में रोड़ा पैदा कर सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।